हेलो स्टूडेंट, डे एंड जेकेट में स्वागत है। देखिए, हम जो क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो टेंथ क्लास के चैप्टर फर्स्ट के जो पहली प्रश्नावली है उसके क्वेश्चंस है, है ना। फर्स्ट प्रश्नावली हमारे पास में एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 क्या है, यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एससीएफ। हमको क्या फाइंड करना है, एससीएफ फाइंड करना है। किसके यूज़ करके, किसका यूज़ करके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके, है ना। देखिए, ये जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, इस पर कुछ एग्जांपल्स भी है, आपको भी उनको भी सेम ऐसे ही करने हैं, है ना। या अगर आपने एग्जांपल्स अगर आपको समझ में आ रहा है तो बस वैसे ही ये क्वेश्चन करना है। देखिए क्या है हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन की 135 एंड 225, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। सेकेंड क्वेश्चन ये है हमारे पास में, फर्स्ट क्वेश्चन के में फर्स्ट ये है, सेकेंड और थर्ड, है ना। एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन हमारे पास में है, जिसका कि हमको क्या निकालना है, एससीएफ निकालना है। अब यहाँ पे देखिए 135 एंड 225, देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का जब भी आप यूज़ करें एससीएफ निकालने के लिए, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, है ना। जो नंबर बड़ा होगा हमारे पास में, उसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में उसको हम ए लेंगे, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कौन है हमारे पास में, जो लेम्मा है, यूक्लिड जो लेम्मा है वो कौन है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर जो ए बी और क्यू और आर, इनको सबसे पहले हम समझेंगे कि कौन क्या है। तो ए वो नंबर होगा जिसमें कि हमको किसी नंबर से डिवाइड देना होगा, जिस नंबर से हम डिवाइड देंगे वो कौन होगा, बी होगा। अब डिवाइड देते हैं तो कितनी कुछ कुछ टाइम डिवाइड जाता है, तो वो जो टाइम बोल रहे हैं ना हम, वो कौन हो जाएगा, क्यू, कोई इंटीजर होगा, और आर कौन होगा, रिमाइंडर, है ना। इसको हम ऐसे समझेंगे कि जैसे कि यहाँ पर हम एक क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं, जैसे 14 ले लिया हमने, अब यहाँ 14 में क्या कर रहे हैं, 2 से मान लीजिए डिवाइड लगाते हैं, है ना। तो 2 से हम 14 में डिवाइड लगा रहे हैं, है ना। तो हमारे पास में जो होगा 2 7 जा क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 7 टाइम में चला गया। अब ये कौन हो जाता है हमारा, है ना, ये कौन हो जाता है हमारा, क्यू, ये कौन हो जाता है, बी, ये कौन हो जाता है, ए, और ये कौन हो जाता है हमारे पास में, आर। सेम यहाँ पे भी रहता है ये, है ना, ऐसे ही आपको समझना है या याद रखना है। अब देखिए क्या होगा, तो इसमें जो है हमारा ए कौन बनेगा, तो ऑब्वियसली जो बड़ा नंबर होगा वो लेंगे हम, तो बिग नंबर कौन है हमारे पास में, 225, तो ये हमारा क्या होगा, ए ले लेंगे हम इसको, तो ए हमारा क्या हो गया, 225, और बी कौन हो गया, 135। हम इस पर जो है अप्लाई कर देते हैं डिवीजन लेम्मा को, वो कौन है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जैसे कि अभी आपको बताया कि ए कौन बन जाएगा यहाँ पे, 225, बी कौन बन गया हमारे पास में, 135। अब जो Q है हमारे पास में, ये वाला जो Q, वो क्या होगा कि 135 में कोई नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि 225 आ जाए। जैसे कि हमने 2 में मल्टीप्लाई किया 7 का, तो क्या आ गया, 14 आ गया, ये 14, है ना, 2 में 7 का मल्टीप्लाई किया। तो सेम 135 में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि 225 आ जाए, है ना। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यदि हम 135, है ना, 135 को यदि हम 2 टाइम ले लेते हैं, चलिए देखते हैं, 135 को हम 2 टाइम लेते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास में, 2 5 10 का 0 हो गया, है ना, कैरी वहाँ पे 1 चला गया, 2 3 6 और 1 क्या हो गया, 7, 2 1 2, 270 हो गया। मीन्स कि 2 टाइम में 135 से 2 टाइम में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 270 आता है, जो नंबर 225 से बड़ा है। तो क्या हम ले सकते हैं क्या 2? बिल्कुल नहीं ले सकते, इसलिए हमको क्या लेना होगा, यहाँ पे 1 ही लेना होगा। अब 1 लेना होगा तो 225 में से जब हम 1 टाइम में जाता है तो कितना आएगा भाई आंसर हमारे पास में, 135 ही आएगा, करेक्ट, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास में जो आर, जो रिमाइंडर होगा, वो रिमाइंडर बचेगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मान लो कि यहाँ पर अगर हमारे पास में 15 होता, है ना, तो यहाँ पर अब हमारे पास में जो रिमाइंडर बचता वो क्या बच जाता भाई, है ना, वो हमारे पास में क्या हो जाता, 0 1 हो जाता, करेक्ट। तो 1 एक रिमाइंडर आया ना, है ना, कैसे आया, 15 में से 14 को हमने माइनस किया तब आया, करेक्ट। मतलब कि हमको भी 225 में से हमको जो है 135 को माइनस करना पड़ेगा, तो हम 225 में से 135 को माइनस करेंगे। अब हमारे पास में जो है 225 में से 135 को माइनस करते हैं
तो हमारे पास में कितना बचता है ये, है ना। देखो यहाँ से डिवाइड, सॉरी माइनस तो हो नहीं रहा है, तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, हेल्प ले लेंगे, और हेल्प लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, और 12 में 3 अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारे पास में 90, है ना। ये देखिए 90, तो आर हमारे पास में जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया 90। और ये याद रखना होगा हमको यहाँ पे कि जब तक जो आर होगा उसकी वैल्यू, आर की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं आती, तब तक हमको ये प्रोसेस जो है स्टॉप नहीं करना है। अगर हमारी आर की वैल्यू अगर 0 आ गई तो ये समझ लीजिए कि हमारा एस सी एफ फाइंड हो गया, है ना। तो वहाँ तक हमको ये करना होता है। अब जब नहीं आया तो अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो याद रखिए आप कि नेक्स्ट स्टेप में हमने तो इसको डिवाइड लगा दिया है, तो इसका हो गया, इसका रोल कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास में जो है ये नंबर जो है अब ये बन जाता है ए, है ना। अगेन अप्लाई द डिवीजन लेम्मा टू 135 एंड रिमाइंडर, जो 90 हमारे पास में, तो जो रिमाइंडर रहता है वो सेकेंड टाइम में हमारे पास में बी बन जाता है, है ना। और ये जो जिससे हम डिवाइड लगाते हैं जो डिवाइजर रहता है वो डिवाइजर कौन बन जाता है, ए बन जाता है। तो ये हमारा डिवाइजर कौन बन गया, अब डिविडेंड, यहां पर आकर के डिविडेंड बन गया, ठीक है। तो यहां पर ये 135 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि 90 में ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारे पास में 135 आ जाए, और आप 90 में 0 को छोड़ दें तो 9 2 कितना होता है 18 होता है, और उसमें अगर 0 लगा दे तो कितना हो जाएगा 180, तो 92 जा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, जो कि 135 से क्या होगा, बिग नंबर होगा। तो 180 हम ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, फिर क्या लेंगे, हम 1 ही लेंगे, 90 बन जा 90। उस 90 को क्या करेंगे 135 में से हम माइनस कर देंगे, देखिए हम माइनस करते हैं, है ना। 135 में से हम क्या करेंगे 90 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में देखो 5 में से 0 माइनस हो जाता है इसलिए 5 आएगा, लेकिन 3 में से 9 माइनस नहीं होगा, इसके लिए यहाँ से हेल्प लेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बन जाएगा ये 13, और 13 में से यदि 9 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है 4। हमारे पास में जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 45। यहाँ फिर से देखिए आप, अगेन रिमाइंडर हमारा इक्वल है क्या 0 के, नहीं है, मतलब प्रोसेस क्या होगी नेक्स्ट जाएगी, मतलब हम तब तक स्टॉप नहीं कर सकते जब तक कि 0 नहीं आ जाता हमारे पास। तो जो आ रहा है हमारे पास में 0 नहीं आया तो हमको प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर से क्या होगा, तो जो हमारा डिवाइजर था अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, ए बन गया, है ना। और जो रिमाइंडर था वो कौन बन गया, बी बन गया। बस आपको यही याद रखना है हर बार कि जो सामने वाला जो नंबर रहेगा वो हटते जाएगा और जो पीछे वाला नंबर है वो सामने आते जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि ये प्रोसेस हुई, ये नंबर यहाँ आ गया, ये नंबर यहाँ आ गया, फिर अब क्या होगा, ये नंबर यहाँ आ गया, है ना, और ये नंबर यहाँ आ गया, देख रहे ना आप सेम। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो गई 90, और बी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में 45 हो गई, है ना। फिर से हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने पर क्या मिला हमको कि ये 90 आ गया। अब देखो 45 में यदि हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 1 जा 45 होता है, क्योंकि छोटा है 90 से बहुत, तो हम 45 2 जा करके देखेंगे, तो 45 का मल्टीप्लाई यदि हम 2 में करते हैं तो देखिए क्या आता है हमारे पास में, 45 का मल्टीप्लाई यदि हम 2 में करते हैं तो 25 से कितना हो गया 10, कैरी कितना हुआ 1, 24 जा 8 और वन कितना हो गया 9। यहाँ आप देख रहे हैं कि कंप्लीट डिवाइड गया है 2 से 45 में मल्टीप्लाई करने पर, मतलब 45 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया, और 90 में से यदि हम 90 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा, तो R इक्वल टू कितना हो गया 0, मतलब हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। तो जब रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ जाता है तो यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है उसमें जो है रिमाइंडर 0 आने के बाद में हमको प्रोसेस को स्टॉप कर देना पड़ता है और आंसर फाइंड करना होता है। तो आंसर कौन होता है, तो जिस नंबर की वजह से, है ना, जिस नंबर में मल्टीप्लाई किया किसी नंबर का और जिसकी वजह से आंसर आया है, तो वो नंबर हमारा एस सी एफ होगा। जैसे यहाँ पर हम समझेंगे कि 45 हमने 45 में हमने किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया, जैसे कि क्यू, ये कोई इंटीजर है, है ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन किया किसमें, 45 में, तो 45 की वजह से कौन आ गया है यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करने पर 90, है ना। और जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रिमाइंडर जो है ना आपका 0 होगा, 10 नहीं होगा, क्या होगा 0, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाता है, जो जिसकी वजह से 0 आता है रिमाइंडर वही हमारा नंबर होगा, जैसे कि 45, तो 45 हमारा कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, किसका होगा, क्या इसका होगा, नहीं, जो क्वेश्चन दिया था उसका होगा। तो देयरफॉर 45 इज एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये आपके लिए रफ वर्क है, है ना, इनको आपको नहीं करना है, समझने के लिए था, है ना, बस इतना ही आपको नोट डाउन करना है, लेकिन आपको नोटबुक में ये कंप्लीट करना होगा, ओके। तो यहाँ पर ही आपका
पूरी तरह से सॉल्यूशन हो जाता है और फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड वाले क्वेश्चन को देखेंगे, है ना, कि 196 एंड 38,220, है ना, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे बिग नंबर हमको लेना रहता है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में समझा था कि जो भी इन दोनों में से बिग नंबर होगा उसको हमको पहले लेना होगा। तो मतलब यहाँ पर कौन बिग नंबर है, 38,220 बिग नंबर है और 196 क्या छोटा है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो डिवीजन लेमा का जो यूज़ करेंगे तो उसमें जो ए रहेगा, ए कौन रहेगा हमारे पास में, 38,220 रहेगा, ये हमारा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोगों को ए मिल गया है, ए मिलने के बाद में जो नेक्स्ट नंबर रहता है वो हमारा बी हो जाता है, है ना, तो ये बी हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास में जो प्रोसेस रहती है वो क्या रहती है, तो देखिए ए, अब ए पर हमने यहाँ पे जो है हमारे पास में नंबर लिख दिया बी, ये लिख लिया। लेकिन अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यहाँ पे हम 196 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, है ना, 196 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमको ये नंबर मिल जाए। ठीक है, थोड़ा देखिए, है ना, यहाँ पर क्या है 19 करेक्ट, और यहाँ पर क्या है 38, मींस कि 19 टू जा क्या होता है 38 होता है, मतलब हमको 2 के लगभग में कुछ नंबर जाने वाला है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि 196 से 3 नंबर वाला है हमारे पास में और इसमें कितने नंबर है, 5 नंबर है, मीन्स कि हमको मल्टीप्लाई करके, है ना, हमको जो मल्टीप्लाई करना होगा तो उसमें ऐसे कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि ये नंबर आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि इसमें 200 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि 19 टू जा क्या होता है 38, है ना, तो इसलिए हम 200 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे यहाँ पे, है ना। ये देखिए 196 मल्टीप्लाई 200, है ना, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो ये 5 नंबर्स में लाना है इसलिए हमको 200 से करना है। ओके, अब देखिए 000 करेक्ट, फिर से वापस से क्या होगा 00 और वापस से 0। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 26 जा 12 कैरी हुआ 1, 29 जा 18 और 1 हो गया कितना 9 करेक्ट, है ना, और ये हमारे पास में कितना हो गया, देखिए 26 जा 12 कैरी हुआ 1, है ना, और इसके बाद में क्या हो गया 29 जा 18 और 1 19 कैरी, यहाँ पर कितना हो गया भाई 1, 21 जा 2 और 1 कितना हो गया 3। अब देखते हैं मैं क्या हो गया हमारे पास में, हाँ, अबे देखिए 5 नंबर्स तो आए बट क्या हुआ कि हमारे पास में यहाँ पे 39 आ गया लेकिन यहाँ पर कितना है, यहाँ 38 है, मीन्स कि 200 हमारे पास में बड़ा नंबर हो रहा है। तो अब 200 से हमको छोटा लेना होगा, तो क्या हम यहाँ पे 199 करके देखें, क्या हम यहाँ पे 198 करके देखें, क्या हम यहाँ पे 197 करके देखें, तो ये कैसे हम समझेंगे। तो थोड़ा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर कितना है 0, मतलब हमको 6 में किसी ऐसे नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है कि जिसका मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाए, जैसे कि 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया। अब 6 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 0 आए, बताइए जरा, सोचिए क्या होगा हमारे पास में, है ना। तो यहां पर हमको सोचना होगा कि 6 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करे कि 0 आ जाए उसके लास्ट में। तो 6 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, है ना, क्या आ जाएगा 6 आएगा, 2 से करेंगे तो 6 टू जा 12 2 आएगा, 3 से करेंगे तो क्या होगा 6 3 जा 18, 4 से करेंगे तो क्या होगा 6 4 जा 24 4 आएगा, और 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, मतलब 5 अगर आता है लास्ट में नंबर के तो क्या हो जाएगा 0 आता है। तो अभी हमने देखा था 200 से करके, किससे करके देखा था 200 से करके, लेकिन 200 से ज़्यादा आया था, मतलब हमको कम की ओर जाना है। तो हम अब जो करके देखेंगे वो 195 से करके देखेंगे, है ना, क्योंकि यदि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो इसमें से 6 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम, है ना, करके देख लीजिए क्या हो रहा है, अकेले 5 ही ऐसा नंबर है जिससे कि 0 आ रहा है उसमें, है ना, ये हमको यहाँ पे 0 लाना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 0 आ सकता है, संभावना हमको लग रही है, तो हम इसको लेकर के देखते हैं।
क्या हो जाएगा हमारे पास में, 5 6 30 का 0 कैरी हुआ 3, 5 9 जा कितना हो गया हमारे पास में, है ना, 5 9 जा 45 में 3 प्लस कर दिया कितना आ गया 48, है ना, और फिर कैरी कितना चला गया यहाँ पे 4, 5 1 जा 5 और 4 कितना हो गया 9, अब 9 6 जा कितना हो जाता है यहाँ पे हमारे पास में, तो 9 6 जा कितना होता है ना 54, 54 का क्या हो गया 4 यहाँ पे हमारे पास में आ गया, और 5 क्या हो गया कैरी हो गया हमारे पास में, और 9 9 जा 81 में 5 प्लस करेंगे तो 86, 86 का 6 यहाँ लिख देते हैं हम, और कैरी क्या हो जाता है हमारे पास में 8, है ना, और फिर कौन हो जाएगा 9 1 जा 9 और 9 में हमको क्या प्लस करना होगा 8, 9 में 8 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 17 आएगा, है ना। अब देखिए क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 1 का मल्टीप्लाई का रूल पता होगा, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करो सेम आंसर आता है, है ना, तो 196 आ जाएगा हमारे पास में, 691 करेक्ट। अब ये क्या हो गया 0, 8 और 4 कितना होता है हमारे पास में 12, कैरी हो गया 1, देखिए 10 हो गया, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 और 10 कितना हो गया 22, 22 के 2 कैरी हुए 2, है ना, 7 और 2 9, 9 और 9 कितना हो गया 18 का 8 कैरी हुआ 1 1 2 3 आ गया, है ना। तो 195 कैसे लाया हमने देखा, है ना, हमने यहाँ पर देखा पहले नंबर की 19 है और यहाँ पर देखा पहले नंबर की 38 है, तो 19 2 38 होता है, तो 200 से करके देखा, 200 से बड़ा नंबर आ गया, तो बड़ा नंबर आने के बाद में क्या करेंगे भाई, हम छोटे की तरफ जाएंगे, मतलब 9 से मल्टीप्लाई करके देखते, तो 9 से हम अगर यहाँ पे 9 रहता तो 6 में हम अगर मल्टीप्लाई करते तो 9 6 54, मतलब क्या आता हमारे पास में 4 आता, लेकिन यहाँ पे क्या है 0, यदि हम यहाँ पे 8 लेते तो 8 6 48 क्या आता 8, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया 0, मतलब हमको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना था जिसकी वजह से 0 आता, तो 5 से हम 6 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ गया 0, है ना। तो इसलिए हमको ये देखना होता है कि कोई भी नंबर को हमको ऐसा टारगेट करना होता है कि इस नंबर की वजह से, है ना, वैसे तो यूनिट प्लेस को देख करके आप ऐसा कर सकते हैं जैसा कि हमने अभी किया, है ना, ऐसा आप इस टाइप से कर सकते हो, और आपका रिमाइंडर क्योंकि 0 आ गया है तो आपकी प्रोसेस स्टॉप हो गई, मतलब हमारा आंसर आ चुका है, तो हमारा आंसर कौन होगा, है ना, तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर 196 होगा, क्यों, क्योंकि 196 में हमने मल्टीप्लाई किया 195 का तो हमारा आंसर आ गया, तो हमारा आंसर कौन होगा 196 होगा, ना कि 195, है ना, यहाँ पर बाय मिस्टेक 195 लिखा गया था, इसको आपको समझना होगा कि क्या होगा 196, क्यों, क्योंकि 196 में हमने 195 का मल्टीप्लाई किया तभी तो ये आंसर है हमारे पास में, है ना। तो जिस नंबर में मल्टीप्लाई करने से आता है ना, जिस नंबर में मल्टीप्लाई, मतलब इस नंबर में मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो जिस नंबर में मल्टीप्लाई करने से आंसर, मतलब जो हमारे पास में जो भी मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई जो आएगा और फिर जो रिमाइंडर जो बनेगा वो 0 आ जाएगा, तो वही हमारा कौन होगा आंसर होगा, तो ये नंबर में हमने मल्टीप्लाई किया तो 196 ही हमारा कौन होगा आंसर होगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया SCF हो गया इन दो नंबर्स का, है ना, करेक्ट, समझ में आ गया ना। देखिए अब हमारे पास में एक क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड वाला क्वेश्चन है, है ना, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया सेम ऐसे ही हमको जो है थर्ड क्वेश्चन को भी करना होगा। यहाँ पर अब आप समझ ही चुके होंगे कि हमको क्या करना है ना, यहाँ समझ गए होंगे अब कि जो बिग नंबर है उसको हम ले लेंगे पहले, है ना, तो बिग नंबर हो गया हमारे पास में, इस टाइप से लिखने के बाद में हम इस पर क्या अप्लाई कर देते हैं, डिवीजन लेमा, है ना, कौन है हमारे पास में इक्वल टू बीक्यू प्लस आर, जहाँ पर आर की वैल्यू, है ना, ये थोड़ा सा आपको याद रखना रहता है कि जो आर की जो वैल्यू रहती है वो बी से कैसी रहती है, छोटी रहती है बट 0 से बड़ी रहती है और उसके इक्वल भी हो सकती है, है ना, ये हमारे पास में यूक्लिड जो डिवीजन लेमा है वो उसकी जो कंडीशन है वो देखते हैं, है ना, वो कंडीशन रहती है, है ना, एक हमारे पास में। अब देखिए यहाँ पर हमने a इक्वल टू क्या ले लिया है 867 और b इक्वल टू कौन हो गया हमारे पास में 225। अब क्या होगा यहाँ पर भाई, देखिए क्या है हमारे पास में कि a इक्वल टू 867 और b इक्वल टू क्या हो गया 225, है ना। अब ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है तो यहाँ पर a की वैल्यू हमने क्या ले ली है 867 और b की वैल्यू कौन हो गई 255। अब हम इन्हें यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया, लेकिन कैसे, क्वेश्चन ये है हमारे पास में, है ना, कि 3 का ही क्यों किया, 1 का क्यों नहीं किया, 2 का क्यों नहीं किया, 4 का क्यों नहीं किया, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए अब क्या है, ये 2 और इसका फर्स्ट जो डिजिट है वो देखिए, तो ये क्या है 8, तो 2 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो 2 में हम जब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 में 8, है ना,
फोर टाइम में क्या आ जाता है, एट आ जाता है, मतलब लगभग इसमें फोर का मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ जाएगा। तो हम देखते हैं है ना कि फोर का मल्टीप्लाई करने से क्या आता है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में 255 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 5 20 का 0 कैरी हुआ 2, 4 5 20 और 22 का 2 कैरी हुआ यहाँ पर कितना 2, 4 2 8 और 2 10 है ना, 1020 मतलब ज़्यादा हो गया, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इससे कम देना पड़ेगा। तो हम 3 लेकर के देख लेंगे है ना, कि 3 लेकर के देख लेते हैं कि क्या नंबर आता है हमारे पास में। तो जब हम 3 लेकर के देखते हैं यहाँ पे है ना, 3 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3 5 15 का 5 कैरी हुआ यहाँ पे 1 है ना, और उसके बाद में 3 5 15 और 1 16 कैरी हुआ यहाँ पर कितना 1, 3 2 6 और 1 7 मतलब कि 765। 4 टाइम में ज़्यादा आ रहा था इससे और 3 टाइम में कम आ रहा, तो हमको क्या लेना होगा, कम वाला लेना होगा है ना। तो यहाँ पर हमने ले लिया 767 और उसको हम किस में से माइनस कर देंगे, 867 में से माइनस कर देंगे। तो देखिए 867 में से हम यहाँ पर 867 में से 765 को माइनस करते हैं, तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2 और 6 ये 0 और 8 में से 7 गया 1 मतलब 102, ये हमारा कौन हो गया रिमाइंडर। और आपको याद है कि रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता हमको प्रोसेस को बढ़ाना रहता है। तो अब हमारे पास में जो है अप्लाइड हम वापस से करेंगे तो ए कौन बन जाएगा 225 और बी कौन बन जाएगा 102 बन जाएगा, बस सेम यहाँ पर हम वही करेंगे। अब क्या हो गया, देखिए 1 और ये 2 मतलब कि 2 का मल्टीप्लाई करने से आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 25 है और यदि हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करने से 1 का अगर ये 100 है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 300, तो 300 ले नहीं सकते हम है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा, कितना आएगा भाई 102 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 204, कितना आ जाएगा 204। और 204 को हम है ना, तो ये हमारे पास में जो है 55 है ना, और जो अभी जो आया हमारे पास में 200 कितना आया 204, तो ये जो 204 आएगा उसको हम माइनस कर लेंगे है ना, 255 में से हम 204 को माइनस करते हैं, तो 5 में से 4 माइनस हो जाता तो 1 बच जाता है हमारे पास में, और 5 0 में से माइनस हो गया 5 बच गया और ये क्या आ गया 0, तो 51 आया हमारे पास में, क्या आया 51 है ना। तो ये हमारे पास में रिमाइंडर आ गया और रिमाइंडर वापस से 0 नहीं है, मतलब कि हमको और आगे सोल्व करना है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ए कौन बन जाएगा 102 और बी कौन बन जाएगा जो लास्ट रिमाइंडर कौन था भाई, ये था, तो वो कौन बन गया, बी बन गया। तो ये हमको याद रखना होता है ना। अब हमारे पास में जो ए की वैल्यू कौन हो गई हमारे पास 102 और बी की वैल्यू 51, अब देखिए है ना 52 जा 100, तो 51 2 जा 102 है ना, या फिर ऐसा देख लीजिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 102 आ गया ना ये 2 टाइम में। तो ये हमको अब जो है R की वैल्यू क्या हो गई 0 के इक्वल हो गई है ना। अब जब 0 के इक्वल हो गई तो हमारा सॉल्यूशन आ गया, तो सॉल्यूशन का जो आंसर होगा वो कौन होगा 51 होगा, किसका होगा भाई वो। तो देयरफॉर द एससीएफ ऑफ 867 एंड 225 इज 51, ये जो गिवन नंबर है हमारे पास में है ना, ये जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा 51, कैसा है आपने देखा है ना। तो ये हमारे पास में इस प्रकार से हमको सॉल्व करना होता है। अब देखिए यही क्वेश्चन आए, ये जरूरी नहीं है, ये जो तीनों क्वेश्चंस है या जो एग्जांपल्स है वो आए, जो एग्ज़ाम होगा आपको उसमें आए, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको ये मेथड याद रखनी है, मेथड में वापस से आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें ये देखना होगा कि बिग नंबर कौन सा है, जो भी बिग नंबर होगा उसको आपको ए लेना होगा, ये ए लेना होगा, और जो अदर नंबर होगा उसको बी लेना होगा, उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा और ए के नियर अबाउट वैल्यू लानी होगी है ना। अगर कंप्लीट आ जाती है तो वह आंसर हो जाएगा है ना, और यदि नहीं आती है तो रिमाइंडर बनेगा और वो जो रिमाइंडर बनेगा वो नेक्स्ट स्टेप के लिए बी बन जाएगा, और जो बी था वो अगली स्टेप में क्या बन जाएगा ए बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं। और सेम स्टेप्स मतलब आपको करनी रहेगी कोई भी क्वेश्चन रहे, तो ये आपको थोड़े से कुछ पॉइंट्स रहेंगे वो याद रखना होगा कि रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता है तब तक हमको प्रोसेस को सॉल्व करना है, और जिसकी वजह से आता है ना वो नंबर हमारा कौन हो जाता है एससीएफ, 51 की वजह से आया है ना, 2 की वजह से नहीं आया, 51 की वजह से है, 51 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 51 यहाँ पर हमारा कौन हो गया एससीएफ। तो इस टाइप से हमको जो है याद रखना होता है।